मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बोलते हुए पंजाब भाजपा प्रधान अश्वनी शर्मा ने कहा कि 5 महीने की इन्वेस्टिगेशन तो बाद ही मनीष सिसोदिया गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रिष्टाचार के लिप्त है। मनीष सिसोदिया ही नहीं पंजाब के इन्हों के मंत्री एम एल ए भी भ्रिष्टाचार के लिप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का चेहरा हुण लोगों के सामने आ चुका है। इस मौके अश्वनी शर्मा ने आम आदमी पार्टी से तंज कसदिया होर की कुछ कहा, देखो पठानकोट तो लक्की की खास रिपोर्ट। 5 महीने की इनक्वायरी तो बाद शराब नीति घोटाले के अंदर CBI ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है और ये आम आदमी पार्टी देश नू गुमराह कर रही है और बच्चों की आड़ लै रही है, स्कूलों की आड़ लै रही है। जो शिक्षा की गल आएगी उस वेले शिक्षा की गल करो। अज शराब नीति घोटाले के अंदर जिस डिपार्टमेंट के मंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्होंने अपने यार दोस्तों लाभ देने दे जिस प्रकार नीति च बदलाव किया और इनक्वायरी तो बाद 5 महीने की इनक्वायरी तो बाद CBI ने गिरफ्तारी की है और ये अपना भ्रष्टाचारी चेहरा जिहड़ा आम आदमी पार्टी का देश के सामने आया है उहदे ते लीपा पोती करन दा प्रयास कर रही है। ये अपने आका नूं खुश करन लई दिल्ली च बैठा है ते पंजाब दे पट्टी दे अंदर गोली चल गई है। अज फिर एक पूर्व मेयर अपना चेयरमैन दे उत्ते गोली चली है। इहनूं पंजाब दा ध्यान ही नहीं। ये उत्थे प्रवचन दे रहे ने कि वो जी बड़ा शिक्षा का ज्ञाता सी जी, उन्हें जी स्कूलों का ये करता, उन्हें ये किया। मान साहब तुहानू समझ नहीं आती, उन बच्चों नू शराब की लत लाती, उन 25 साल तो 21 साल के बच्चों नू शराब पीन की आदत पाती, घर घर गली गली महल महल से शराब के ठेके खोलते और वो अंदर घपला किया। वो इस करके अंदर है। शिक्षा नीति की गल ना करो, शिक्षा की नीति की बारी आएगी उस वेले आपे होर पता लग जाएगा कि उस की होया। लेकिन पंजाब संभालो आके दिल्ली जाके बह गए हो तुसी। देखो पंजाब के अंदर हुण जेलां भी सुरक्षित नहीं रही। पंजाब के अंदर जब दी ये मान दी सरकार आई है पंजाब के अंदर पंजाब नू तोड़न वाले लोग सिर चुक रहे ने, फरोतियां मंगण वाले सिर चुक रहे ने, गैंगस्टर दंदन आ रहे ने, दिन दिहाड़े हत्यावां हो रही हैं, डकैती हो रही है। लेकिन मान सरकार दी नज़र से पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था बड़ी वधिया है। जे ये कानून व्यवस्था वधिया मान साहब तो परमात्मा का थोड़ा खौफ खाओ, वाहिगुरु का थोड़ा खौफ खाओ, तो फिर माड़ी कि दस दौ जे वधिया। तो